जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो CRB में एक नोटिस आया हो जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसीज है 2020 की, यानी 31 अगस्त 2020 उसका लास्ट डेट था। और ये जो फॉर्म भरने थे, ऑफलाइन फॉर्म भरने थे, जिसमें आपकी कांस्टेबल का पोस्ट था। कांस्टेबल में आपकी इसमें सफाई कर्मचारी था, कुक, वाशरमैन, टेबल बॉय, इन तरह के पोस्ट, मसाल की पोस्ट था। आप डेंटल टेक्निकल की भी पोस्ट थी, जैसे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ASI, SI और इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिली थी। कई तरह के पोस्ट इसमें थे। तो फिलहाल इसकी जो PTN PHT हो चुके हैं, अब आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होना बाकी है। तो रिटर्न एग्जाम आप लोगों का बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नोटिस ये आया है जो कि आपके DME से रिलेटेड है, यानी कि DME और RME से रिलेटेड है, कि आपकी इसमें कुछ क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, यदि आप रिटन एग्जाम पास करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करते हैं, जब आपका मेडिकल होगा तो उसमें आप लोगों की एक नोटिस है कि किस तरीके से आपको यदि बाई चांस अनफिट करते हैं तो उनके सामने आप अपील कर सकते हो और अपना RME ले सकते हो। यदि वो आपको अनफिट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस है उसमें इन्होंने बताया है। तो ये नोटिफिकेशन है आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाती है। बहुत लोगों ने नोटिस, पुरानी है लेकिन बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और देखे भी हैं तो उनको पता नहीं कि नोटिस में क्या था। ठीक है, तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि वो नोटिस कौन सा है और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ आप एक देख रहे हो इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके एक कॉलम है, और यहाँ पर आपको 29 जून 2021 एक नोटिस आया था जो कि नोटिस ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ की है। तो इस पे सिंपल क्या करना है, क्लिक करना और इसको डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों के नोटिस है, इस नोटिस में आप लोग बताया गया, इसमें नोटिस आप देखेंगे और ये नोटिस में अनफिट गाइडलाइंस दिया गया है जो कि आपकी CAPF द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी MHA द्वारा जारी किया गया था, जो कि 31/5/2021 को, जिसमें आपको क्या कहा रहा है कि आपको अपील्स अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि RME के लिए आपको बताया गया है। जो कि आपका जब नोटिफिकेशन आया था उसमें पेज नंबर 22 पे दिया गया था नोटिफिकेशन, जो आपका 25/6/2021 में इसका मेंशन किया गया है। पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020 का इसमें बात किया गया है, इसमें बताया यही गया है जिसे हम देखेंगे फार और रीड करके है। तो इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें आपको जानना जरूरी है। तो फार दिया गया था और अब आपको रीड करना, यानी कि अब आपके जो RME जो मेडिकल है, ठीक है, इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले आपका था कि आप लोगों का DME होता है, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मेडिकल होता था। उसके बाद जो लोग कैंडिडेट क्वालिफाई होते थे, क्वालिफाई होते, उसके बाद कुछ लोगों को क्या होता था कि RME यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा आप लोगों का मेडिकल होता था। तो उसी से रिलेटेड है कि आप लोगों का इसमें बदलाव किए गए हैं। अब आपका बदलाव क्या है इसमें बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो जो डिस्क्वालीफाई होता है, अनफिट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, वहां पर आपको रिजेक्शन लिस्ट या अनफिट कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि वहां पर आपको उसके बोर्ड के द्वारा, ठीक है, इसमें सिंपल सही बताया गया कि आप अनफिट होते हैं तो आप क्या करना है कि अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आना है, यानी घर पे आना है, और आने के बाद अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके जो आपके शहर में है, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर आप अपना क्या करना है, मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं और वहां पर आपको 15 दिन के भीतर जब मेडिकल चेकअप आपका होगा उसमें ₹25 का आपका डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा या आप ऑफलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं IPO के माध्यम से। IPO के माध्यम से क्या करना, उसके बाद वहां पर आपको क्या करना, उसको भेजना रहता था। ये पहले की प्रक्रिया थी कि वहां पर आपको RME के लिए, रिव्यू एग्जाम के एग्जामिनेशन के लिए आपको वहां पर भेजना रहता था जो आपका सेंटर बनाया गया था। ठीक है, ये आपका पहला मसला यही था कि आपका जो RME हुआ करता था। अब इन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पर इसका सी कॉलम देखेंगे, अपील्स अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें इन्होंने बताया कि ऑल कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट ड्यूरिंग द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू द अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME प्रोवाइडेड दे गिव द दियर रिटन एग्जाम कंसेंट बाय द अपेंडिंग देयर द सिग्नेचर ऑन द इंटीमेट द इंडिकेटिंग द रीजन ऑफ द बींग अनफिट। यानी कह दिया है कि आप यदि DME में आपको अनफिट होते हैं तो RME आपका प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसमें आपको हस्ताक्षर यानी कि एक आपको अप्लीकेशन भरना होगा जिसमें आपकी सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है, कि आपको अनफिट किया गया है। और इसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको एक अपील्स फिर से देना होगा
जो कि आपके अंत क्या कहा है कि दी कंसेंट फॉर द आर्मी ड्यू टू साइंड बाय द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड विद इन द 24 आवर्स, यानी कि कह रहा है कि आर्मी के लिए कैंडिडेट हैं उसमें सबमिट करना होगा 24 घंटे के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में एक एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन को आपको 24 घंटे के अंदर ही आप लोगों को वहां पर उसको भेजना, वहां पर सबमिट करना होगा, यानी कि आज आपने अनफिट हुआ तो आप 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से भरने होंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे ही आपको, अगले दिन ही आपका क्या हो जाएगा, डीएमई फिर से चेकअप हो गया। यानी क्या मतलब है कि अब आप लोगों का आरएमई खत्म कर दिया गया है। अब क्या है, एक मामला यही है कि अब अनफिट होते हैं तो दूसरे दिन ही आपका आरएमई हो जाएगा। आरएमई का मतलब होगा कि आपको फिर से वहां पर अप्लीकेशन लेके सिग्नेचर करके जो भी प्रक्रिया वहां की होगी उस प्रक्रिया को कंप्लीट करके आप दूसरे दिन अपना चेकअप करवा सकते हैं। अब वो पुराना वाला नहीं रह गया कि आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, पहले आप घर पे आइए, अपने यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाइए, वहाँ पर डॉक्टरों से अपना अपना जो मेडिकल होता है मेडिकल करवाइए, फिर मेडिकल का आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको लेकर आपको उनके सेंटर भेजना होगा, 25 रुपये का टिकट लगाना रहता है, ये सब वगैरह चीज़ें रहती थी। यानी कि डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, 25 रुपये का आपको वहाँ देना होता है, फीस देने होते हैं, तो फिर जाके आपको एक अलग सा डेट दिया जाता है, फिर जाके आपका मेडिकल होता है। ऐसा नहीं, वो पहले की प्रक्रिया थी। अब क्या है कि अब आप अनफिट होते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको फिर से आपका जो मेडिकल है हो जाएगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो आपकी प्रक्रिया है वहां पर एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, आपका सिग्नेचर, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका दूसरे दिन ही मेडिकल हो जाएगा, जिसमें भी आप अनफिट होते हैं तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है आर्मी आप लोगों का खत्म हो चुका है, ठीक है, आरएमई आप लोगों का खत्म हो चुका है, अब आपको डीएमई ही रहने वाला है। तो जो लोग क्वालिफाई होंगे वो आपका तुरंत ही सिलेक्शन हो जाएगा। जो जो लोग आरएमई में जाते हैं तो वो मान के चलिए कि आरएमई में आप लोगों का कोई भी कुछ चीजें नहीं होगी, जब आपका पहले दिन नहीं हुआ कुछ तो दूसरे दिन क्या हो सकता है, ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो आरएमई आप लोगों का हट चुका है, आरएमई लेना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका डीएमई फिर से हो जाएगा। बस यही एक मसला है और ये चेंजिंग हुआ है आप सभी लोगों का, किसमें चाहे आप एसएससी जीडी में अप्लाई करेंगे तब भी आपको यही चीजें होने वाली है, नोटिफिकेशन फिर से आपका आ जाएगा आपके वेबसाइट पे, लेकिन आपका ये है कि आपका आरएमई हट चुका है। तो ये नोटिस था, तो आप लोगों को मैंने सोचा बता दें ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।